subscribe now and press the bell icon. बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही धीरे धीरे बॉलीवुड में अपने पैर जमा रही हैं। पिछले कुछ सालों में आई आइटम नंबर्स में नोरा के जबरदस्त डांस के बाद उन्हें जल्द ही स्ट्रीट डांस 3D में एक्टिंग करते देखा जाएगा। इस बीच ये भी खबर है कि नोरा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक दुधिया के निर्देशन में बन रही फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में परिणीति चोपड़ा को हटाकर नोरा फतेही को ले लिया गया है। इस फिल्म में पहले परिणीति चोपड़ा एक स्पाई का रोल निभाने वाली थी, लेकिन बिजी स्केड्यूल के कारण उन्हें फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अब उनकी जगह नोरा फतेही ने ले लिया है। वहीं फिल्म के नजदीकी सूत्रों से ये भी कहा गया है कि नोरा ऑन बोर्ड आ चुकी हैं और वर्कशॉप भी अटेंड कर रही हैं। वो स्पाई के किरदार के लिए बॉडी लैंग्वेज पर भी काम कर रही हैं। वो 12 जनवरी के बाद शूटिंग शुरू कर देंगी। ये शूटिंग स्केड्यूल 15 दिन का होगा। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक वॉर ड्रामा है। ये फिल्म 91 के इंडो पाक बैकड्रॉप पर बन रही है। फिल्म में अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक, जो कि एक भुज एयरबेस के इंचार्ज हैं, उनका रोल प्ले कर रहे हैं। उनके अलावा फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा एक सोशल वर्कर है, वही संजय दत्त एक स्थानीय व्यक्ति है, राणा दुर्गावती लेफ्टिनेंट कर्नल और एमी विक एक पायलट की रोल प्ले कर रही है। अगर आपको बॉलीवुड की और बड़ी खबरें जाननी है